सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो सब बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान का रिसेंटली आपने वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो जो कैरी मिनाटी से जबरदस्ती सॉरी बुलवाए थे। इसके बाद एजाज खान को काफी ज्यादा हेट भी मिला और कई सारे लोग कैरी मिनाटी को भी ट्रोल किए ये बोल के कि तुमने एजाज खान से सॉरी मांगा। तो अभी कुछ फिटनेस क्रिएटर्स ओपन चैलेंज दे रहे एजाज खान को। नितिन चंदेला एजाज खान के पोस्ट के नीचे कमेंट किए, कभी दिल्ली साइड आओगे तो सॉरी कैसे बोलते बताते हैं आपको। और जो रूबल धनकर भी रिप्लाई दिए थे, बिना मतलब किसी को मत छेड़ो भाई, मेहनत से काम करो अगर हो सके तो, बाकी दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान पंजाब सब एक ही दिल वाले ही होते हैं देसी लोग। और जो राजवीर सिसोदिया जिनका कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी हुआ था रजत दलाल के साथ, वो भी रिएक्ट करे। 4 साल पहले जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे एजाज खान के अगेंस्ट में राजवीर सिसोदिया ने भी वीडियो बनाया था। तो उसी का पहले तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाले, देन फिर वो लिखते हैं रोस्ट तो हमने भी किया था, कोई हमसे भी बुलवाओ सॉरी। वो यहाँ पे एजाज खान को बोल रहे मुझसे सॉरी बुलवा के दिखा। फिर वो एक स्टोरी पोस्ट किए, आप देखिए। तो भाई मैं पिछली 2 स्टोरी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का बाल अगर हो रहा है मेरा भाई, कंट्रोवर्सी मत करो, ये सब तुम्हें प्लीज, ठीक है प्लीज। तीनों भाई पिछली 2 स्टोरी, ठीक है, कोई दबाव में नहीं, कोई डर में नहीं। तो भाई फोर्सफुली अपने आपस के उन्हें डिलीट करवाई है। ऐसा है भाई, बराबरी जिससे हो उसके बारे में बोलो, उस भाई का क्या ही मामला है, वो अपना अलग दुनिया जी रहा, भाई का अलग लेवल है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का शादी के बारे में। तो पता है अंबानी फैमिली ने ये शादी के लिए कितना पैसा खर्च किया है, वो है 4,000 to 5,000 करोड़ रुपीज। आज लास्ट डे है शादी का, ग्रैंड वेडिंग जो कि हो रहा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। भाई 5,000 करोड़ रुपए का शादी है, एंड 5,000 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स अंबानी फैमिली का नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% है। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $122.7 बिलियन का है। कितना करोड़ रुपए होता है वो आप देख सकते हो। तो जैसे ये न्यूज आउट हुआ अंबानी फैमिली 5,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया अनंत अंबानी के शादी में, उसी के ऊपर फुकरा इंसान रिएक्ट करे, वो कहे ओवर 5,000 करोड़ स्पेंट ऑन अंबानी वेडिंग, इमेजिन दिस अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंट ऑन सेविंग द लाइव्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस एंड दोज हु कुडंट अफोर्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, हैशटैग जस्ट अ थॉट। अब ये ट्वीट करने के बाद फुकरा इंसान को कई सारे लोग बोलने लगे कि तुमने भी तो बहुत महंगा घर बनाया, वो बनाने का क्या जरूरत है, जरूरतमंद लोगों का हेल्प करते। कई सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे ना, उनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे। एलविस यादव भी एक ट्वीट करते इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए, जो पैसा कमाए आगे उसकी मर्जी, कुछ भी करे, कितना सिंपल है। तो इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सम्राट भाई लिखे, यार भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जो लक्ष्य चौधरी भी रीट्वीट करते हुए लिखे, सी अभिषेक मल्हान, मैं तो ना सहता। अब इसके बाद जब फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा, वो एक ट्वीट किए, इट्स टू फनी टू सी सम पीपल नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन बाइंग ए हाउस एंड स्पेंडिंग मनी ऑन मैरिज पीआर। यहाँ पे बताया ना, ये बहुत ही फनी है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक घर खरीदने में एक शादी के पीआर में पैसे खर्च करने में क्या डिफरेंस है। वेल, क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का शादी का बात हो रही है, तो बात करते जॉन सेना के बारे में। तो जॉन सेना भी मुंबई आ चुके अनंत एंड राधिका का शादी अटेंड करने के लिए। अब जैसे वो मुंबई उतरे, पापराजी उनके ऊपर चिल्लाने लगे, क्या कह के, जॉन बाबू, जॉन काका। मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। जॉन बाबू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, अहमद के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि अहमद के, जिसने कैप्टन अंशुमन सिंह के वाइफ से रिलेटेड पोस्ट के नीचे बहुत ही गंदा कमेंट किया था, वो अरेस्ट हो चुका, मैंने बताया था कल। वेल, वो थोड़ा सा गलत निकला, अहमद के अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। जो मैंने कल दिखाया था, ये बंदा जो अरेस्ट हुआ है, ये 5 दिन पहले ही अरेस्ट हुआ है। इसका नाम है मोहम्मद कासिम, एक पॉकेट मार है, चोर। और जो कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ की बात करें, तो बात करते हैं उनके ही बारे में, उनका नाम है स्मृति। तो कल के दिन कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का इंटरव्यू आउट हुआ, उनके फादर एंड मदर का, उन्होंने स्मृति के अगेंस्ट में कुछ बड़े एलिगेशन लगाए। वो कहते हैं मेरा बेटा शहीद हो गया, सब उसकी पत्नी को मिला, वो चली गई, एड्रेस भी बदल लिया, सिर्फ 5 महीने की शादी थी, हमारे पास क्या बचा, दीवार पर लटकाने के लिए एक फोटो, ये सही नहीं है, बदलना चाहिए। और बताया कि उनका राहुल गांधी के साथ बात हुआ है, और राहुल गांधी ने उनको कहा है कि वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे किस बारे में बात हो रहा है, नेक्स्ट ऑफ किन क्राइटेरिया, यानी कि एनओके क्राइटेरिया। एनओके आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो नॉमिनी। इनके अगर आर्मी का हो जाता है तो पैसा किसको मिलेगा, जैसे कैप्टन अंशुमन सिंह ने नॉमिनी का नेम दिया था उनका वाइफ का, तो पैसा वगैरह सब उनके वाइफ को मिला। तो उनके पेरेंट्स का कहना है कि नॉमिनी को पैसे मिलने से पहले उसे कंफर्म किया जाए कि वो फैमिली के साथ रहेगी कि नहीं, अगर नहीं रहेगी तो सारा पैसा नहीं दिया जाएगा, कुछ पैसा पेरेंट्स को भी दिया जाएगा। इस तरीके के कुछ चेंजेस होने चाहिए, कैप्टन अंशुमन सिंह के पेरेंट्स का कहना है। वो बताया कि हमने तो सफर कर लिया, लेकिन बाकी पेरेंट्स ये सफर ना करें। उनका जो इंटरव्यू है उसका क्लिप को काफी ज्यादा शेयर वगैरह किया जा रहा है, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में,
बात हो चुकी है अंकित बहनपुरिया के बारे में। तो अंकित बहनपुरिया अपने फैंस से रिक्वेस्ट किए, क्या रिक्वेस्ट आप खुद उनसे ही सुनिए। राम राम भाई सारा नया, तो भाई सब एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा जितने भाई मेरे चाहने वाले हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं जो भी हैं भाई, कि भाई अगर आप मिलना हो तो भाई दिन में आया करो, क्योंकि भाई रात नहीं पे रात रात नहीं रहता, 10-11 बजे दिया भाई घर के यार उड़े उन्होंने सोना भी हो, पूरे दिन काम कर रहे हैं घर काम लाग रहा है, तो भाई दिन में आया करो प्लीज, विनती है ना भाई, ये सांझ ने मत आया करो भाई, रात ना भाई भी 8-9 बजे आ जाओ भाई यार, मैं घर उतर नहीं, मैं ट्रेनिंग बजा आ रहा हूँ, तो भाई फिर घर के दिक्कत हो भाई, हाथ जोड़ कर विनती है भाई प्लीज भाई समझ लियो ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, जो कि यूट्यूबर प्रणीत हनुमानथू के बारे में। तो इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एंड ऑल्सो कोर्ट ने इनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। क्यों? वो एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे फादर एंड डॉटर का, एंड वहीं पे वो डार्क कॉमेडी के नाम पे कॉन्ट्रोवर्शियल एंड वल्गर कॉमेंट्स पास करते हैं वो फादर एंड उसके माइनर डॉटर के ऊपर। अब उन्होंने तो वीडियो हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, काफी सारे लोग इसको शेयर करते, काफी ज्यादा उनको बैकलैश मिला, काफी सारे एक्टर्स भी उनको क्रिटिसाइज किए, ऑल्सो टॉलीवुड एक्टर साई धर्मा तेज उन्होंने तो वो वीडियो को शेयर करके पुलिस को टैग किया, ऑल्सो चीफ मिनिस्टर को भी टैग किया। इसके बाद तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो है उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया प्रणीत हनुमानथू के अगेंस्ट में, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और उनको अभी 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और यहाँ पे हैदराबाद का न्यूज चल रहा है, तो बात करते हैं एक्टर रामचरण के बारे में। तो एक्टर रामचरण ने ले लिया 7.5 करोड़ रुपए का रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रा कार, एंड हैदराबाद का ये फर्स्ट रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रा कार, ये कार इंडिया में इसी साल को लॉन्च हुआ था जनवरी में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, सिंगर नेहा भासिन के बारे में। तो लास्ट ईयर अगस्त में उन्होंने पापराजी से कहा था कि जब भी मेरा फोटो लोगे वीडियो लोगे पीछे से तो जूम करके मत करो। रिसेंटली क्या हुआ, जब ये जिम से निकल रही थी तो जो पापराजी रहे थे वो नेहा भासिन को रिक्वेस्ट करते पोज देने के लिए, तो उनका रिएक्शन क्या था आप खुद देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, तृप्ति डिमरी के बारे में। तो एनिमल मूवी के बाद ये काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आप सबको पता ही होगा। तो रिपोर्टेडली इनको एनिमल मूवी करने के लिए 40 लाख रुपीज मिला था, एंड कुछ दिन बाद इनका एक और मूवी आ रहा है बैड न्यूज, तो उस मूवी में उन्होंने कितना चार्ज किया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 80 लाख रुपीज, उनका फीस डबल हो गया क्योंकि आपको पता होगा एनिमल मूवी सुपर हिट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, सीए टॉपर मूवी के बारे में। तो बहुत सारे सीए इस मूवी को बैन करने का डिमांड कर रहे हैं। ये मूवी बता दो 18 जुलाई को रिलीज हो रहा है, इसका ट्रेलर आउट हो चुका है, बहुत सारे सीए इस मूवी का बैन का डिमांड क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मूवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, जो इस मूवी में एक्टर है मानव कॉल जो कि सीए का कैरेक्टर प्ले किए, वो ना जिगलो का रोल प्ले करते हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये मूवी रिलीज होने वाला है नेटफ्लिक्स में, तो बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स को टैग करके बोल रहे कि इस मूवी को रिलीज मत करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, पूरव झा एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो ये दोनों का बहुत जल्द पैरोडी वीडियो आउट हो सकता है। यस, आपको पता ही होगा कैरी मिनाटी के पैरोडी वीडियोस एंड ऑल्सो पूरव झा के पैरोडी वीडियोस कितना ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना। पूरव झा कैरी मिनाटी के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखे, लगता है कुछ भयंकर बी आने वाली है। और जो बता दो पूरव झा का सीआईडी पैरोडी वीडियो आउट हो चुका, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, योयो हनी सिंह के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स योयो हनी सिंह डेट कर रहे एक्ट्रेस हीरा सोहल के साथ। यस, आपको पता होगा हनी सिंह ऑलरेडी एक बार शादी कर चुके हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है। और लास्ट ईयर सुनने में आया था कि वो जो है एक्ट्रेस टीना थडानी के साथ डेट कर रहे, एंड लास्ट ईयर ही रिपोर्ट्स आए कि उनका ब्रेकअप भी हो चुका है, एंड अभी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हनी सिंह डेट कर रहे एक्ट्रेस हीरा सोहल के साथ। और यहाँ पे डेटिंग का बात करें तो बात करते सुमन गिल के बारे में। तो क्या सुमन गिल डेट कर रहे एक्ट्रेस रिधिमा पंडित के साथ? इसके ऊपर रिधिमा रिएक्ट करी, वो कही ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सुमन गिल को जानती भी नहीं हूँ। और उनसे जब पूछा गया कि क्या ये पीआर स्टंट है फिर, तो उसके बारे में भी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब चीजों की वजह से पॉपुलर नहीं होना चाहती, मेरे काम की वजह से लोग मुझे पहचाने, मैं वो चाहती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात, इमरान हाशमी के बारे में। तो इमरान हाशमी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है शुभांकर मिश्रा के चैनल पर, तो वहीं पे उनसे पूछा गया अवार्ड शोज के बारे में। तो भाई इमरान हाशमी ने एक्सपोज कर दिया जो अवार्ड फंक्शन होते हैं अवार्ड शोज होते हैं उसको, वो क्या कहे आप देखिए। फिल्म फेयर वालों को आपसे बहुत मोहब्बत रही है। अच्छा, शुरुआती दौर में आपकी फिल्में अच्छी आती तो बुलाते नहीं थे, फिर गैंगस्टर आई नॉमिनेट हुए, फिर कहीं और चला गया, तो कभी आपका अवार्ड शो को लेकर नजरिया क्या अभी आपका? क्योंकि बहुत सारे कंगना को 8 मिले थे, कंगना ने बाद में कहा कि बकवास होता है क्योंकि मिलना बंद हो गया फिर उसके बाद। नहीं, मेरे पहली फिल्म से लेकर मुझे एक अवार्ड मिला था, आई थिंक स्टारडस्ट का था, आई फॉरगेट, वो था मर्डर के लिए मुझे मिला था, अवार्ड सेरेमनी के लिए गया था, एंड फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ का जो एक वैल्यू पता चली कि इसके पीछे गेम क्या है, अगर आप अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक इट्स एसेंशियली अ बार्टर डील। हाँ, शाहरुख खान सलमान दोनों ने बताया कि सलमान ने कहा था हम तो दरवाजे का वो रखते थे। अभी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यू नो ये अच्छा नहीं है, यू नो आई वोंट डिस आउट अवार्ड्स, जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो करे, वो जाके परफॉर्म करके। मुझे उस वक्त के बाद लगा कि यार मैं आई कांट पैट माई सेल्फ ऑन द बैक एंड से कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये झूठ बात है।
इसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए ना, अवार्ड इसलिए मिला मिला है आपको क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो फिर अवार्ड का फायदा ही क्या अगर एक बार्टर डील है तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट टीचर के बारे में जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? वर्क आवर्स के दौरान वो कैंडी क्रश खेलते थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने उस टीचर का फोन चेक किया स्क्रीन टाइम, तो पता चला कि वो बहुत टाइम कैंडी क्रश खेलते थे, ऑल्सो फेसबुक भी चलाते थे वर्क आवर्स के दौरान, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।